जो है वो मुकम्मल तौर पर इस ऐवान का इजलास दोबारा शुरू होगा, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा उस हवाले से खुफिया राय शुमारी होगी। वो तमाम प्रोसेस जो कि आइन और कानून के मुताबिक है उसको फॉलो किया जाएगा। वजारत में तो होती थी, आपकी मेरी आपकी मुलाकात होती है, आप टीवी एंकर हैं, तो मैं अगर सियासत में अब नहीं हूं तो उसके बाद भी कम से कम हमारी बातचीत तो होती रहती है ना, मुलाकात दुश्मनी तो नहीं है। देखे जर्नलिस्ट तो किसी से भी मिल सकते हैं ना, जर्नलिस्ट तो उसामा बिन लादन से भी मिलने पे तैयार होता है, तो फिर लेकिन वजीर में मैं आप पाकिस्तान सियासी से लोगों से तो था ये नहीं कहूंगा कि सारों से मिलने जाके, लेकिन एक नहीं नजीर साहब, आखिरी वजीर आखिरी में इसमें क्लियर क्लैरिटी ले लेना, हाँ मैं पाकिस्तान का वजीर था और वो पाकिस्तान के अफसरान है, पाकिस्तान की फौज के, तो मैं क्यों, अगर मैं वजीर अब नहीं हूं तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं है, कोई यानी कि अब मेरा पास कोई पार्टी का होता नहीं है। इमरान खान के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैं खान साहब के साथ मेरी 25 साल गुजर गए हैं, यानी कि मैं 31 साल की उम्र से और अब 56 साल का हो गया हूँ, मैंने तो उससे पहले कोई पॉलिटिक्स नहीं की, जो सीखा उन्हीं से सीखा, और एक बड़ी ऑ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उनकी है, मेरे लिए नहीं दुनिया भर मेरे के लिए, और मेरी हम हर एक के लिए राय यह है कि बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए, और खान साहब भी ये कह रहे हैं जब तक आप बात नहीं करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लोग अपने अपने मौकफ के लिए अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाने